हाय एवरीवन, वेलकम टू कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीड्यू का चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं। चैप्टर 1 है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लीज़ गो बैक एंड सी देम। आप इन लेक्चर्स के दौरान अपनी टेक्स्ट बुक खोल के भी साथ में पढ़ सकते हैं। पार्ट 3। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. तो ऑथर ने उस लेटर को वापस फोल्ड करके उसके एनवेलप में डाल दिया। वो रात भर जगा रहा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग यूसेज है kept awake का। kept awake का मतलब है कि उसे किसी ने जगा के रखा। अनदर सेंटेंस जो कि बहुत पॉपुलरली यूज होता है वो है I stayed awake. So stay awake का मतलब हो गया कि मैं जागता रहा। और stay awake आप तब यूज़ करते हो जब आप खुद अपनी मर्जी से जाग रहे हो। केप्ट अवेक का मतलब हुआ आपको किसी ने जगा के रखा है। इन दिस केस आई थिंक वो उस लेटर के बारे में सोच रहा होगा, कॉनी मैकफर्सन के बारे में सोच रहा होगा कि वो कैसी हैं, कहाँ हैं। तो ये सब थॉट्स उनको ऑथर को जगा के रखी हैं। जब सुबह हुई तो ऑथर को पता था उसे क्या करना है। बाय मॉर्निंग आई न्यू, मुझे पता था मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैड टू डू। आई ड्रोव इनटू ब्रिटपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। वो ब्रिटपोर्ट चला गया ड्राइव करके जो कि कुछ मील दूर था। माइल्स का मतलब मील होता है और इंडिया में हम लोग नॉर्मली किलोमीटर यूज़ करते हैं रास्ता नापने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 माइल 1.64 लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। ऑथर को एड्रेस पता था कि किधर जाना है। इफ़ यू रिमेंबर पर्टिकुलर पार्ट जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी से लिया गया है, जिसमें उसके एनवेलप पे क्लियरली ये वाला एड्रेस लिखा हुआ था 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट। सो उसे एड्रेस पता था कि किधर जाना है टू फाइंड यू नो मिसेस मैकफर्सन। सो वापस वहाँ पे गया और वहाँ पे एक आदमी अपने कुत्ते को टहला रहा था। वॉकिंग हिज डॉग मतलब कुत्ते को टहलाना। एक लड़का अपने कुत्ते को टहला रहा था। उसे वो पूछता है कूपर बीचेस किधर है। उसने हाउस नंबर 12 ढूंढ निकाला और उसे दिखता है कि वो एकदम जला हुआ शेल जैसा है। शेल का मतलब है प्रोटेक्टिव कवर, एक प्रोटेक्टिव कवच की तरह। सो वो हाउस के अंदर कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल चुका था और एक कवच की तरह, जले हुए कवच की तरह खड़ा था। द रूफ गेपिंग, उसके रूफ में छेद थे और द विंडोज बोर्डेड अप, और उनकी खिड़कियों पे बोर्ड्स लगे हुए थे ताकि उसके अंदर कोई जा ना सके। आपको अगर ये सीन मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख सकता है। देखिए जैसे ये पिक्चर मैंने इंटरनेट से उठाया है जिसमें ये घर पूरा जला हुआ है और उसकी रूफ में पूरे जलने के ऐसे निशान पड़े हुए हैं और पूरी पूरा रूफ गिर चुका है। तो ऊपर से पूरे छेद है। तो दिस इज़ वॉट द ऑथर मीन्स द रूफ गेपिंग। और बोर्ड ऑफ विंडोज़ कुछ ऐसे दिखेगा कि विंडोज़ पे आप बोर्ड ऐसे लगा दियो ताकि अंदर कोई ना जा सके। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson. उसने पड़ोसी के घर को खटखटाया और पूछा कि किसी को Mrs. McPherson के बारे में पता है कि नहीं, उनके ठिकाने के बारे में, whereabouts यानी उनका ठिकाना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग यूसेज है Mrs. McPherson का। ए एक्चुअली एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, आपको पता है ए एंड द। अगर कोई चीज़ अनफेमिलियर हो जिसे आप जानते ना हो तो आप उनके आगे ए या एन लगाते हैं। तो यहाँ पे मिसेस मैकफर्सन का मतलब ये हुआ, पूछा कि किसी भी मिसेस मैकफर्सन को वो जानते थे कि नहीं। तो ही इज़ नॉट पॉइंटिंग आउट कि हाँ वो मिसेस मैकफर्सन जो मुझे पता है कौन है वो कहाँ है। उस ऑथर को भी नहीं पता, उन्होंने कभी नहीं देखा। ही जस्ट नोस कि हाँ उसे उसके पास एक लेटर है और उनकी वाइफ का नाम जिनकी वाइफ का नाम मिसेस कॉनी मैकफर्सन है। उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता, तो उनके लिए एक टोटल स्ट्रेंजर है इसलिए वो ए यूज़ कर रहा है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। सो पड़ोस में जिस आदमी ने गेट खोला होगा वो एक बूढ़ा आदमी था और वो अपने स्लीपर्स पहना हुआ था। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है वो कौन है। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट शी। सो मिसेस मैकफर्सन काफ़ी बूढ़ी हैं इस समय। वो बोलता है वो काफ़ी लवली ओल्ड लेडी है, अ बिट मडल हेडेड। मडल हेडेड का मतलब वो कन्फ्यूज्ड, जो मेंटली कन्फ्यूज्ड हैं। और बोलता है कि इस एज में कोई भी ऐसे कन्फ्यूज्ड हेड वाला हो सकता है। वो ऐसा क्यों बोलता है? 101 ईयर्स ओल्ड। तो उनकी एज अभी मिसेस मैकफर्सन की 101 ईयर्स थी। इस एज में कन्फ्यूज होना तो बहुत आम बात है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड
but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me, Burlington House, on the Dorchester Road on the other side of town. पड़ोसी उसको बता रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो वो घर जल गया था और उस समय जब ये घर जला था तो मिसेस मैकफर्सन उसी घर में रहती थी. किसी को पता नहीं एक्चुअली, नो वन रियली नो कि आग कैसे लगी उस घर में, बट सबका गैस यही था, इट कुड वेल हैव बीन, सबका गैस था कि मोमबत्तियों से ये आग लगी है, बिकॉज वो बिजली से ज़्यादा मोमबत्ती यूज़ करती थी. उनको लगता था कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. जो फायर फाइटर्स थे उन्हें आग से बचा लिया जस्ट इन टाइम, बिल्कुल मौके पे उनको निकाला. अब वो एक नर्सिंग होम में है. नर्सिंग होम ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप बूढ़ों का और ऐसे बीमार व्यक्तियों का केयर करते हो, तो वो नर्सिंग होम में तब से रह रही हैं और उस नर्सिंग होम का नाम है बर्लिंगटन हाउस, जो कि उसने वो एड्रेस बताते कि वो डॉर्चेस्टर रोड में इस सड़क के पास वो नर्सिंग होम है और वो इस टाउन के दूसरे साइड पे है. तो इस सेक्शन के बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चन से चलिए वो पहले देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट. ऑथर ब्रिटपोर्ट क्यों गया था? ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट टू मीट मिसेस कॉनी मैकफर्सन एंड गिव हर जिम्स लेटर बैक. स्टोरी पढ़ के आपको इतना समझ में आ गया कि वो ऑथर ब्रिटपोर्ट क्यों गया था, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि वो ब्रिटपोर्ट इसलिए गया था ताकि वो मिसेस कॉनी मैकफर्सन से मिल सके और उसे जिम का लेटर वापस दे सके. ये सफिशिएंट होगा इस क्वेश्चन के लिए. हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी. मिसेस मैकफर्सन कितनी बूढ़ी थी अभी, या उनकी एज कितनी थी अभी, और वो कहाँ थी? तो जस्ट लास्ट पार्ट में उसमें बताया है कि मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड. जनरली आप जब इंग्लिश में कुछ आंसर्स लिखते हो तो आप इन नंबर्स को अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज नॉर्मली फॉर्मल इंग्लिश में आप ऐसे डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपको इसको फुल वर्ड फॉर्म में लिखना होगा. शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड. शी वॉज रिसाइडिंग इन अ नर्सिंग होम कॉल्ड बर्लिंगटन हाउस. वो एक नर्सिंग होम में रह रही थी जिसका नाम था बर्लिंगटन हाउस. सो दिस शुड बी इनफ. आपको और ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ये इनफ है. आई थिंक इतना आप लिखोगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपने स्टोरी अच्छे से समझी है, पढ़ी है, और इसलिए आप ये लिख पा रहे हैं. बहुत स्टूडेंट्स की आदत होती है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आप लंबे लंबे ऐसे इस टाइप आंसर लिख देते हैं. जनरली मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि जब आप इतने लंबे लंबे आंसर्स लिखते हो और टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टोरी समझ में नहीं आई है. तो आप गेस वर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई ना कोई आंसर तो लग ही जाएगा, तो वो तुक्केबाजी इज़ नॉट गुड. आप एकदम सटीक आंसर दें, आपसे जो पूछा गया है उसी का आंसर दें. बहुत लोग इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, शी वॉज रिसाइडिंग इन नर्सिंग होम कॉल्ड बर्लिंगटन हाउस विच वॉज सिचुएटेड इन डॉर्चेस्टर रोड विच वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी एड्रेस बताने के लिए नहीं पूछा गया है. यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि बर्लिंगटन हाउस किधर है, आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि मिसेस मैकफर्सन किधर हैं. और अगर आप बोल दोगे बर्लिंगटन हाउस में है, तो वो इम्प्लाइड है कि वो बर्लिंगटन हाउस वही वाला बर्लिंगटन हाउस है. तो आगे बढ़ते हैं. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. उसे author को Burlington House बड़ी आसानी से मिल गया क्योंकि उस बूढ़े बंदे ने उसे अच्छे से एड्रेस बताया था. तो जैसे ही वो हॉलवे में पहुँचता है, बेसिकली काइंड ऑफ एंट्रेंस जो भी उस नर्सिंग होम का था, द रिसेप्शन एरिया, तो उसे पेपर चेन्स दिखते हैं हर जगह. पेपर चेन्स अगर आपको पता होगा, जब भी हम बर्थडे मनाते हैं तो वो रिबन जैसे पेपर चेन्स लेके आते हैं पूरे डेकोरेशन करने के लिए, वो कुछ इस तरह के दिखते हैं. तो ये पेपर चेन्स हो गए क्योंकि वो क्रिसमस का समय था, तो उस समय पूरी लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई थी. एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ था जिसमें लाइट्स लगे हुए थे और उस क्रिसमस ट्री के ऊपर एक एंजल लगी हुई थी. लॉप साइडेड का दो मतलब होता है. इसका मतलब ये हो सकता है कि एक साइड स्मॉलर मतलब एक साइड छोटा है, या लोअर, या एक साइड थोड़ा नीचे है. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एंजल का एक साइड लोअर हो, इसलिए वो टेढ़ी लगी हुई हो क्रिसमस ट्री के ऊपर. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. आई थिंक रिसेप्शन में उसे किसी से मिलता होगा, तो उसने बताया कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड है. ऑब्वियसली वो झूठ बोल रहा है एंड उसे मिलने आया है और उन्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता है. वेस्ट में जब भी वो क्रिसमस मनाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रेजेंट्स देते हैं, और प्रेजेंट्स फ्रेंड्स आपस में और फैमिली मेम्बर्स आपस में एक दूसरे को देते हैं. तो वो बोला कि मैं एक फ्रेंड हूँ उनका और मैं उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग पेपर हैट एंड सिंगिंग.
तो एक सेलिब्रेशन का माहौल था, वो देख रहा था कि डाइनिंग रूम में सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग पेपर हैट पहने हुए थे, जो हम जनरली बर्थडे पार्टीज में इस तरह के जो कैप्स होते हैं, ट्रायंगुलर कैप्स जो अपने सर पे लगाते हैं, उसकी बात कर रहा था। तो पेपर हैट्स पहने हुए थे और सब गा रहे थे। दी मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रॉन जनरली एक लेडी वार्डन है जो पूरी इंचार्ज होगी उस नर्सिंग होम की, सो शी इज़ लाइक अ हेड। वो डिसिप्लिनेरियन होती हैं, वो हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, तो उनको मैट्रॉन कहा जाता है। दी मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, सो शी वॉज वेरी हैप्पी। वो काफ़ी खुश हुई ऑथर को देख के। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिंस पाई, तो उन्होंने आई थिंक क्रिसमस की एक डेलिकेसी होती है, क्रिसमस टाइम पे बनती है, उन्होंने उसको एक मिंस पाई भी दी। मिंस पाई कुछ ऐसी दिखती है, दिखने में काफ़ी टेस्टी है, मैंने कभी नहीं खाया, आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर खाइएगा। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शील बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। उस मेट्रो ने ऑथर को कॉरिडोर के पास लेके गई और जाते जाते उसे बोलती हैं कि मिसेस मैकफर्सन अभी सबके साथ नहीं है क्योंकि वो थोड़ी कन्फ्यूज हैं आज। जैसे वो ओल्ड मैन भी बोल रहा था कि वो थोड़ी कन्फ्यूज रहती हैं बिकॉज उनकी एज इतनी ज़्यादा है, तो वो सेम बात मैट्रॉन भी बोल रही है, वो आज थोड़ी कन्फ्यूज लग रही हैं, तो हमें ऐसा लगा कि अच्छा होगा कि वो अपने रूम में आज आराम करें। वो बता दी कि उनका कोई फैमिली नहीं है और उनसे मिलने कोई नहीं आता है। तो इस लाइन से बहुत क्लियरली हमें एक और हिंट मिल जाता है कि जिम शायद नहीं रहा और उसकी और कोई फैमिली भी नहीं थी। सो आई एम श्योर शील बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो बोलती है इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी आप आए हैं क्योंकि उनसे कोई मिलने नहीं आता। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स। कंजर्वेटरी जनरली एक एरिया होता है घर का जहाँ पे ग्लास रूफ्स होती है, वो इस तरह का एरिया होता है ताकि धूप अंदर आती रहे। आपको पता है कि US, UK ऐसे बहुत सी ठंड जगह होती है और ये तो यूनाइटेड किंगडम है। जनरली वो चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा धूप आ सके के उतना अच्छा है, तो वो पूरी जो सीलिंग है वो पूरी ग्लास की बनी हुई है ताकि पूरा धूप आते रहे। ऐसी जगहों पे पूरे पॉट्स लगे हुए होते हैं ताकि पौधों को भी धूप मिलता रहे और अंदर का वातावरण काफ़ी शुद्ध रहे। तो इस तरह का कुछ माहौल होगा उस कंजर्वेटरी में। विकर चेयर्स जनरली ऐसे वुड के बने हुए चेयर्स होते हैं, आप देखते हो कि गार्डन में जनरली हम भी इस तरह के चेयर लगाते हैं जो छोटी छोटी वुडन स्टिक से बने हुए होते हैं, इन्हें विकर चेयर्स कहा जाता है। और वहाँ पे उन्हें लेके उसे छोड़ दिया। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दी ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू अ विस्पी बन, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। तो उस कंजर्वेटरी में एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर बैठी थी, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, उनका हाथ फोल्डेड था, उनकी गोद में रखा हुआ था। सो बेसिकली वो बैठी हुई थी व्हील चेयर पर और वो बाहर गार्डन की ओर देख रही थी, शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन। उनके बाल सिल्वर वाइट थे, उन्होंने एक बन बना के रखा है जैसा एक आप वीडियो में देख रहे हो, उनके बाल ऐसे इस हेयर स्टाइल में है। विस्पी का मतलब होता है फेदर लाइक, तो काफ़ी सिल्की या फेदर लाइक। हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। ऑथर ने उन्हें हेलो कहा, वो मुड़ के उससे देखी और वो उन्हें वेकेंटली देखी। वेकेंटली का मतलब होता है, वेकेंट का मतलब होता है खाली, तो आप किसी को खाली तरीके से देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सप्रेशनलेस तरीके से देख रहे हैं, बहुत ही ब्लैंक तरीके से देख रहे हैं, आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, या तो वो शॉक हुई होंगी या वो समझ नहीं पा रही होंगी कि ये कौन है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. Author उन्हें देख के बोलता है, Happy Christmas, Connie. मुझे ये मिला था और मुझे लगता है ये आपका है। तो वो उसे एक टिन बॉक्स दिखा के बोलता है कि मुझे ये मिला था और मुझे लगता है ये आपका है। और पूरी टाइम कॉनी उसके चेहरे को देख रही थी। I opened the tin box and gave it to her. उसने टिन बॉक्स खोला और उसने कॉनी को दिखाया, दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. ये देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। तो अभी तक वो बहुत ही ब्लैंकली देख रही थी विदाउट एनी एक्सप्रेशन, पर जैसे ही उसने टिन बॉक्स खोल के उन्हें दिखाया तो उनकी आंखें चमक उठी, उन्हें कुछ याद आ गया। Eyes lit up with recognition. Recognition मतलब आप पहचान में आ जाना। And her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो suddenly उनके फेस में एक खुशी धीरे धीरे छाने लग गई। सफ्यूज का मतलब होता है धीरे धीरे फैलना, ग्रेजुअली फिल और स्प्रेड। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। इस दौरान जब उसने टिन बॉक्स कॉनी को दे दिया तो वो उसे बता रहा था कि मुझे ये बॉक्स कैसे मिला, शायद उसे बता रहा हूँ कि मैं जंक शॉप गया, मुझे ऐसी डेस्क मिली और मैंने जब उसे खोला तो मुझे ये मिला, बट ऑथर को लगा कि वो शायद सुन नहीं रही उसे। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद अ फिंगर टिप्स। कुछ समय तक वो कुछ नहीं बोली और उस लेटर को धीरे धीरे सहराने लगी। स्ट्रोक का मतलब होता है
टू एंड फ्रो मूवमेंट, तो बेसिकली आगे पीछे सहराना विद अ फिंगर टिप्स. तो अपने उंगलियों से वो लेटर को सहरा रही थी. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स. यू टोल्ड मी यूड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. तो अचानक से वो उस ऑथर का हाथ पकड़ लेती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, तुमने मुझे बोला था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओ एंड तुम आ गए. ये मेरा क्रिसमस का सबसे अच्छा प्रेजेंट है. दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड दिस इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ हर स्टोरी. मेरे पास आओ जिम, मेरे बाजू में बैठो. तो कॉनी इतनी बूढ़ी थी तो हो सकता है कि शायद उनकी याददाश्त उतनी अच्छी ना हो और सब लोग उन्हें मडल हेडेड बोलते ही थे, कंफ्यूज हेडेड बोलते ही थे. तो वो ऑथर को जिम समझ बैठी और उन्हें उसे बोलती हैं कि तुम मेरे पास, मेरे बाजू में बैठो. आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी. तो ऑथर उनके बाजू में बैठता है, कॉनी उनके गाल पे किस देती हैं और उसे बोलती हैं कि जिम, मैंने तुम्हारा लेटर कितनी बार पढ़ा है, हर दिन पढ़ा है, और मैं तुम्हारी आवाज़ अपने दिमाग में सुनना चाहती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. तो जब भी वो लेटर पढ़ती थी तो उन्हें जिम की आवाज़ उनके दिमाग में आती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि जिम उनके पास ही है. एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम वापस आ गए हो तो मुझे वापस पढ़ के सुनाओ. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम पढ़ोगे जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. आई वुड लव दैट सो मच. मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ वापस सुननी है, मुझे बहुत पसंद आएगा. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम चाय भी पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपान ऑल अराउंड. मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, उसके ऊपर मार्जिपान लगा हुआ है. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान, और मुझे पता है तुम्हें मार्जिपान कितना पसंद है. माइकल मोपोगो. सो ऑथर का नाम माइकल मोपोगो है. सो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है. तो आपने देखा, ऐसा लगता है कि जो कॉनी है वो अभी तक अपने पास्ट को जी रही है. वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है. हमें पता नहीं कि सही में वो बनाया है, क्योंकि वो नर्सिंग होम में सब उनका ख्याल रखते हैं, व्हील चेयर पर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली इस हालत में होंगी कि वो एक केक बनाएं. पर वो ऐसा लग रहा है कि अपने अतीत में जी रही हैं. और जैसा कि जिम ने भी अपने लेटर में लिखा था कि उसे उसका क्रिसमस केक जिसमें मार्जिपान था बहुत पसंद आया, उसने हांसोल के साथ भी वो शेयर किया था. तो वही रेफरेंस वापस कॉनी भी देती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपान कितना पसंद है. सो इट सीम्स कि वो अभी भी अतीत में जी रही हैं. तो चलिए अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस करते हैं. यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं. कॉनी को क्या लगता है उनका विजिटर कौन था? कॉनी मैकपर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम. क्वेश्चन नंबर टू, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी. तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुक में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसे लगता है कि विजिटर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जैसे ही विजिटर नर्सिंग होम में पहुंचता है, ही सेज कि वो कॉनी का दोस्त है. सो देयर ही इज ट्राइंग टू हाइड हिज आइडेंटिटी. बट देयर इज वन सेंटेंस इन द होल स्टोरी विच क्लियरली सेज कि वो बताने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन है. जब वो कहता है, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. तो जब ऑथर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें उसे डेस्क कैसे मिला और उसे उस डेस्क में वो लेटर कैसे मिला, बट कॉनी सुन नहीं रही थी. सो दिस इज द ओनली लाइन वेयर वी अंडरस्टैंड कि विजिटर वॉज ट्राइंग टू टेल कि वो कौन है, बट कॉनी सुन नहीं रही. सो दैट इज द आंसर. सो दिस लाइन शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी. दैट्स इट. सो दिस इज पार्ट 3. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें एक लाइक दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन हमारे नए वीडियोज़ के आते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आप अपने फीडबैक्स हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं. एक्सरसाइजेस के लिए हम एक नया वीडियो अपलोड करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.